living in a man's world. They think I'm plastic. It's fantastic. They think that they can stare, undress me anywhere. It's just romantic. Stop being dramatic. I'm a Barbie girl, living in a man's world. They think I'm plastic, it's fantastic. They think that they can stare, undress me anywhere. It's just romantic, stop being dramatic. बार्बी गर्ल बार्बी वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, मूवी रिलीज हो चुकी है और इसका ऑनेस्ट रिव्यू देंगे हम आपको, वो भी दिल से। बार्बी वर्ल्ड एक अलग ही दुनिया है, हर उम्र की लड़की को, हर उम्र की औरत को, यानी बचपन से लेके 55 तक सभी को पसंद है बार्बी। फेमिनिज्म की एक मूवी है, लेकिन इसमें मेंस का भी अपना एक किरदार है कि वो बार्बी को किस तरीके से देखते हैं। और दुनिया के हर कोने में बार्बी का रिव्यू हो रहा है, सभी उसे पसंद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए, कैट वॉक करके दिखा रही हैं लड़कियां और भी बड़ी औरतें, यानी कि सभी को पसंद है। सबका अपना अलग अंदाज, छोटी बच्ची से लेके नानी दादी तक सबको पसंद है बार्बी जी गर्ल। तो ये उम्र जितनी भी हो, ये अभी भी बार्बी गर्ल है। और ये आ गई मेरी बार्बी गर्ल यानी गुड़िया। और मुझे पसंद थी बार्बी तो मैंने इसका नाम रखा गुड़िया। तो मैंने अभी इसके लिए ड्रेस बनवाई है, सेम हूबहू कॉपी बार्बी की, बिल्कुल। और अभी हम जा रहे हैं अपने अविनाश भैया के ऑटो में बैठकर मूवी देखने, गोल्ड में जाएंगे। और मेरी बार्बी कैसी लग रही है? बिल्कुल खूबसूरत। और अभी आएगी बार्बी की मॉम और ये आ गई हमारी बार्बी जी। तो चलते हैं फिर। और ये देखिए दोस्तों, लॉजिक्स मॉल में हमारे बच्चे पहुंच चुके हैं और ये सिद्धार्थ है और ये हाँ। भी आए हैं दोस्तों इस मूवी को देखने। सिद्धार्थ है और उसके पास डॉल्स का एक अपना कलेक्शन है। अमन का दोस्त है ये भी आया बार्बी मूवी। स्कैम होने के बाद स्कैम का हुआ हमारे साथ, ब्लास्ट देखा था बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ ना, बहुत तगड़ा। वेटर गिर गया, उसकी लड़की रोने लग गई, टांग टूट गई, मैं गिर गया और कुछ। हम लोग आ गए हैं लॉजिक्स और अभी मूवी का टाइम होने वाला है, तो चलते हैं फिर। और गुड़िया वीडियो बना रही है मेरी, ताकि हम सब आपको दिखा सकें कि हमारा बार्बी का ओवरऑल रिव्यू कैसा रहा। तो ये वही मेरा फेवरेट पॉइंट्स। और अभी कुछ देर बैठेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, क्योंकि गुड़िया अभी ऑफिस से आते ही, और आज तो छुट्टी है उसकी, लेकिन कॉफ़ी वो बाहर ही पी रही है क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे। 2 बजे की हमारी मूवी है दोपहर, तो आई थोड़ी सी देर बैठी और तैयार हुई और हम लोग निकल आए हैं कॉफ़ी के लिए। तो अभी हम बरिस्ता है कॉफ़ी कर रहे हैं अपनी एन्जॉय। मैंने कॉफ़ी नहीं ली, मैं सिर्फ पानी पीऊँगी क्योंकि चाय यहाँ नहीं मिलती नहीं है जी, बिल्कुल। या तो हमें चाय उस पे जाना पड़ेगा, तो टाइम इतना नहीं है, हम लोग सिर्फ कॉफ़ी लेंगे और चलेंगे फटाफट क्योंकि हमारे पास सिर्फ तो दोस्तों 25-30 मिनट बाकी हैं। दोनों बार्बी बहुत ही बिल्कुल बार्बी की तरह लग रही हैं और बार्बी मूवी का रिव्यू देंगी दोनों आज, वो भी दिल से। तो ये माँ बेटी की जोड़ी और ये कुछ वीडियो बना रही है गुड़िया, रील्स बोलते हैं क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम के लिए। तो पापा को देगी ये वीडियो बना के। और हम दोनों कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल बार्बी अच्छे लग रहे हैं। और ये गुड़िया की ड्रेस मैंने खुद तैयार करवाई है, और किससे तैयार करवाई है? नेहांजलि से जी हाँ, हमारे ही बिल्डिंग में हमारी प्यारी सी एक और बिटिया है जिसका नाम है नेहा, और इसकी अपनी एक बुटीक शॉप है जो कि है
नेहांजलि के नाम से, तो ये ड्रेस उसी ने तैयार की है। अगर आप लोगों को भी इसी तरीके की ड्रेस बनवानी हो तो जरूर जाइए। तो दोस्तों मूवी शुरू हो चुकी है जी, और हम एंजॉय करें। ये सेम ड्रेस है जो कि मैंने गुड़िया के लिए बनवाई है, जो कि पहले सीन की ड्रेस है, डे आउट परफेक्ट ड्रेस। तो लोगों और मेरी ड्रेस भी सेम ही है, बस कलर चेंज है। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप इस मूवी के बारे में? मैं तो यही कहूँगी कि बहुत अच्छी मूवी है, सभी गर्ल्स जाएं देखें, अपनी अपनी मम्मी के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ, सिस्टर के साथ, सब लड़कियां देखें मूवी। लेकिन साथ साथ आदमियों के लिए भी बहुत कुछ है जी, बिल्कुल, सीखने के लिए जी बिल्कुल। तो आदमियों को भी जाना चाहिए ये देखने कि औरतों का एक अपना वर्ल्ड होता है, उनकी एक अपनी दुनिया होती है, वो आप लोगों से कुछ ज़्यादा नहीं मांगती, सिर्फ इतना सा कि उस दुनिया में उन्हें रहने दिया जाए। तो उसको लोग कुछ फेमिनिज्म और बिल्कुल ये सब कहते सच, बिल्कुल सच। तो दोस्तों ये था हमारा ऑनेस्ट रिव्यू, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दिल से।